और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां मंदिर में नमाज पढ़ने से हंगामा मच गया है। आपको बता दें, मंदिर सेवायतों की शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें फैसल खान, मोहम्मद चांद शामिल हैं। चारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर प्रशासन का आरोप है कि धोखे से मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी गई। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप, मथुरा के नंद बाबा मंदिर की यह घटना, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि धोखे से ये लोग भीतर दाखिल हुए और उसके बाद मंदिर के इस प्रांगण में नमाज पढ़ी गई। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज इस मामले में किया गया है। ये हम देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जान अनहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्खान में क्या था, उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा, खैरुन नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो गाड़ी के, मई यन फाउन नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य। तो यहां पर इस शख्स को भी आप सुन रहे थे, फैसल खान इनका नाम बताया जा रहा है और ये 4 लोग थे। हालांकि इनका ये कहना है कि परिक्रमा करने के बाद कुछ इन्होंने मन्नत मांगी थी, यहां पहुंचे हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। शिवेंद्र, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, नंद बाबा मंदिर के भीतर नमाज पढ़ी गई, केस भी इस मामले में दर्ज कर लिया गया, पुलिस किस तरह से देख रही है इस मामले को? देखिए, अभी तो पुलिस का कहना यह है कि हो सकता है इसमें कोई बड़ी साजिश हो, प्लान के तहत डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोबारा शिवेंद्र से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन नंद बाबा मंदिर परिसर का यह मामला, जहां पर 4 शख्स ने नमाज अदा की और इसके बाद धोखे से नमाज अदा करने का मामला इन पर दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इसमें साजिश थी या फिर किसी भूल चूक के चलते ऐसा हुआ है, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आपको ये बता दें कि मामला अब थाने में दर्ज कर लिया गया है। 4 के खिलाफ FIR हुई है क्योंकि मंदिर परिसर में नमाज अदा की, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना इसका एक मकसद हो सकता है। लेकिन मथुरा के मंदिर में नमाज पर अब ये विवाद गहरा चुका है। शिवेंद मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। शिवेंद, देखिए जो ये आरोपी लोग हैं, इनकी बात भी हमने सुनवाई, वो तो ये कह रहे हैं कि हम एक धार्मिक सौहार्द के लिए यहां पर आए, कोई मन्नत हमने मांगी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस किस तरह से देख रही है पूरे मामले को? देखिए, अभी पुलिस इसमें पूरी तरह से साफ नहीं है। उनको ये लगता है कि कोई साजिश भी हो सकती है या फिर शरारत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग पहले पहुंचे यहाँ पर, धर्म की बात की, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी की, पुजारी से भी बात की, उसने इंसिस्ट किया कि यहाँ भोजन करके जाइए, तमाम बातें करते रहे और मौका पाते ही उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी, उसकी फोटो खींची, उसको वायरल किया। तो इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कोई राजनीतिक साजिश है? क्योंकि इसमें कुछ राजनेताओं के भी जुड़े होने की बात अभी शुरुआत में सामने आ रही है। तो ये सब कुछ साफ होना बाकी है, उसके बाद ही कुछ इसमें आधिकारिक रूप से पुलिस वाले कह पाएंगे। लेकिन इसकी जांच चल रही है, पुजारी और दूसरे लोगों से बातचीत की गई है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये इस पोस्ट को वायरल किया है, कुछ जगहों पर डाला गया है, यूपी में और दिल्ली में भी लोगों ने फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर इस फोटो को डाला है, उन लोगों से भी संपर्क किया गया है, जिससे पता चल सके कि आखिरकार किसने इंस्टिगेट किया, क्या प्लान था। तो हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका।